ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं तेज तरार फायर ब्रांड बीजेपी के विधायक, किसान मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश चौधरी। कैलाश जी, आप फायर ब्रांड तो हैं ही, लेकिन ये फायर किसानों के लिए नहीं उठ रहा। मैंने जब ये बात कही, वो किसान मोर्चे की जिले की मीटिंग थी और एक किसानों का सम्मेलन था, हुआ था ये। और वहाँ पर हमने किसानों की आवाज़ बनके वहाँ पर किसानों से बात कर रहे थे। और पूरे राजस्थान में मैंने प्रवास किया, हर जिले पर मैं जाता हूँ, और मैंने 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक प्रत्येक जिले के ऊपर जाकर अपने किसानों से उनकी वहाँ की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को लिया, हमारी मुख्यमंत्री जी को कहा और जो हमारी सरकार की उपलब्धियाँ थी वो बताई। तो इसलिए हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भारत माता के लिए हम ज़्यादा फायर है। बिल्कुल, भारत माता के लिए हम तैयार हैं। कैलाश जी यही बात है, भारत माता की तो चिंता आप कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर बड़ा वर्ग जो और देश के आम जनता भारत माता के साथ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अन्नदाता दुभी दुखी है। अन्नदाता क्योंकि जिस तरह से फसल बर्बाद हो रही है, जिस तरह से मौसम की मार हो रही है, और सरकार रूठ रही है, और ऐसे में अन्नदाता भी आपके सामने, क्योंकि आप किसान मोर्चा के हैं, क्या जो आक्रोश आपका भारत माता को गाली देने को लेकर है, किसान के अन्नदाता के हालात को लेकर भी थोड़ा सा आक्रोश नहीं? इसमें मैं आपको बात बताऊं कि जब से हमारी सरकार बनी है केंद्र में और राजस्थान में, निश्चित रूप से किसानों की चिंता की है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई चिंता हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई है। मैं आपको बात बताऊं, पहले किसान को जब फसल का नुकसान हो जाता था तो उसको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन जब एक गाड़ी का इंश्योरेंस होता था, एक व्यक्ति का इंश्योरेंस होता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने पहली बार फसल का बीमा प्रारंभ किया। ये किसान के लिए किसने किया? हमने किया। उसके बाद में 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, उन्होंने उसमें कोई संशोधन नहीं किया, लेकिन उसके बाद में अभी आप देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी नई फसल बीमा नीति लागू की, जिसके अंदर पहले तहसील को इकाई मान रखा था, अब गाँव को इकाई माना है, गाँव नहीं खेत को इकाई भी मान लिया। पहले जिस तरह से 30% 50% खर्च, मैं मेरी बात सुना, मैं पूरी तो करूँ, 50% खराबे के ऊपर नहीं, आपने प्रश्न किया तो मैं पूरा जवाब दूंगा। बिल्कुल, मैं खराबे की बात पे आ रहा था। 50% खराबे के ऊपर मिलता था मुआवजा, 33% पे करने का काम किसने किया? हमने किया। गला जी, लेकिन पैसा नहीं मिला। पैसा बिल्कुल, किसान को पूरा पेमेंट नहीं हुआ, किसान की नई फसल के लिए पास उसको उठा लेना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान को मुआवजा मिला है, और मैं मेरे विधानसभा की बात करूंगा तो कहेंगे कि आप सिर्फ अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं किसान मोर्चे का, तो पूरे राजस्थान की बात करूंगा, जितना मुआवजा मिलना था उतना मुआवजा इतना कभी नहीं मिला जितना इस बार मिला, और किसान के खाते में चला गया है। पर फिर भी क्यों किसान रो रहा है? फिर भी क्यों किसान को डिमांड है कि उसको मुआवजा नहीं मिला? क्यों शिकायतें आ रही हैं हर जगह से कि मुआवजा पूरा नहीं मिला? नहीं, मुआवजा बिल्कुल मिल चुका है, कुछ देर लेट हुआ लेकिन मुआवजा अभी मिल गया है। क्या लगता नहीं है कि जो हालात किसान की होती जा रही है, क्योंकि मौसम की मार लगातार पड़ रही है, हमने देखा कि अच्छी फसल हो रही थी, अचानक ओलावृष्टि हो गई, उससे पहले बारिश नहीं आई, बारिश में फसल खराब हो गई, क्या लगता नहीं है कि ऐसा समय आ गया है कि जो अन्नदाता है, जो कि हमारे देश का आधार है, राजस्थान में तो 65-70% जो है यहाँ की उत्पादकता कृषि से जुड़ी हुई है, ऐसे में जब बजट आता है, ऐसे में जब विधानसभा में चर्चा होती है, तो किसान गौण हो जाता है और कहीं दूसरे मुद्दे ज़्यादा हावी हो जाते हैं। क्या लगता नहीं है कि आप जैसे नेता जो एकदम ठेठ गाँव से आते हैं, फायर ब्रांड भी हैं, पहले तो किसान के फसल नहीं होती थी, बरसात हो गई, उसके बाद में अगर अकाल पड़ गया तो उसको मुआवजा मिलता था, लेकिन अब अगर उसकी बरसात हुई नहीं, बरसात किसी कारणवश हुई नहीं और उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो उसको निश्चित रूप से उसको उसका मुआवजा मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। ये पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री तो बहुत घोषणाएं करते हैं कैलाश जी, उन्होंने घोषणा कर दी, उन्होंने कहा कि हमें 5 साल में डबल कर देंगे किसान की इनकम को, लेकिन जब बजट आया तो कोई एक्शन प्लान नहीं। डबल कैसे कर देंगे? डबल जो आप बजट के अंदर देखिए, केवल जुमलों से डबल करोड़ थे, नहीं बिल्कुल बजट के अंदर प्रावधान किया, डबल प्रावधान किया, पहली बार राजस्थान सरकार ने भी डबल किया और केंद्र सरकार ने भी किसान के किसान लिए ये बजट जो आया है ये सिर्फ किसान हितैषी, वास्तव में किसान हर वर्ग को छुआ है, लेकिन स्पेशली किसानों को बहुत ज्यादा। किसान को सही दाम नहीं मिल रहा, किसान को सारे रासायनिक खाद और बीज और सब कुछ महंगे मिल रहे हैं, किसान जब मंडी में जा रहा है तो उसको बीज के दल्ले लूट रहे हैं, इस सारी की सारी व्यवस्थाएं वैसे ही कायम है, और प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी एक दिखा देते हैं कि हम डबल कर देंगे, कहीं ऐसा ही तो नहीं जैसे वो उन्होंने
काले धन को वापस लाने के लिए कहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल किसान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने जिस तरह से काम को शुरू कर दिया है फसल बीमा के द्वारा, और जो किसान का इंश्योरेंस करवाना 12 रुपये के अंदर इंश्योरेंस किया, तो उससे भी किसान को फायदा होगा, क्योंकि कभी कोई अगर घटना हो गई तो उसको एक राहत का काम करेंगे। उसी तरह किसान को उचित मूल्य मिले, तो उचित मूल्य का भी इसमें जो जैसा हम पहले कहते थे कि हमारे विपक्ष में थे, तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट जब वो लागू हो जाए होनी चाहिए, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसकी एक शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए आने वाले समय के अंदर मैं आपसे कहता हूँ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अंदर जो था उचित मूल्य से लेकर जो मूल्य है समर्थन मूल्य, उससे भी आगे जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी किसान को लाभ देने का काम करेंगे। किसान के साथ आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत आज़ाद हुए 70 साल हुए, 70 साल में अगर कांग्रेस के लोगों ने इस किसान की अगर किसान की सूंद ले ली होती, किसान के हित का एक भी काम कर दिया होता, तो आज किसान को इस तरह से मारे मारे भटकना नहीं पड़ता, आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। लेकिन अब मैं आपसे कह सकता हूँ आने वाले समय में अच्छे दिन आएंगे और आज किसानों के लिए भी बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। कैलाश जी, अब 2-2.5 साल गुजर गए जी, अब अच्छे दिन तो मैंने मुझे लग रहा है कि ये केवल सपने की बात हो गई। कहाँ, कब 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल बचे हैं, अब ऐसे में कैसे कब आएंगे, थोड़ा सा कोई डेट तो बता दो। अभी आपको बात बताऊँ, पहले क्या भाव थे, आज उस भाव में भी किसी भी चीज़, महंगाई कितनी बढ़ गई थी, वो महंगाई कंट्रोल करने का काम हमने किया है। कैलाश जी, आज विकास के ताजा 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली ऋण के कारण, ऐसा कोई नहीं, ताजा रिपोर्ट हमने वो रिपोर्ट भी देखी, उसमें उसकी किसान की अपनी निजी कारणों से आत्महत्या की होगी, बाकी कोई ऐसा नहीं है। निजी कारण ही था कि किसान वो करके बोझ नहीं, वो ऋणों के बोझ से दब गया था, ऋण वगैरह नहीं था उसके ऊपर कोई ऐसा जिसकी वजह से उन्होंने उनके पारिवारिक की वजह से की है, बाकी कोई बोझ क्या लगता नहीं है। कैलाश जी, क्या है कि जो किसान, गरीब, मजदूर, आम आदमी, देखो मजदूर के बेरोजगार, इनके जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं जो है ना, वो सारे सब कुछ जो धर्म संप्रदाय और जाति के मुद्दों में अटक से गए हैं, दब से गए हैं, कहीं लगता नहीं है? ऐसा नहीं है। देखो मजदूर के लिए जो पहले नरेगा पे व्यक्ति जाता था, कांग्रेस के लोगों ने 1200-1500 तक उस आदमी को सीमित कर दिया था। अब नरेगा पे जाने वाला मजदूर अगर 90 दिन पूरा करता है तो उसको उसके बच्चा अगर पढ़ता है तो उसको उसका सहायता के राशि रूप में पैसे देना प्रारंभ किया। उसकी बच्ची की शादी है अगर 2 लड़कियों तक तो उसको 55,000 रुपये देने का हमारी सरकार ने काम प्रारंभ किया है। उसी के साथ में अगर उसकी विकलांग हो जाता है, उसकी लग जाती है, तो उसको 6 लाख रुपये देने का। उसकी अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, अगर नरेगा पे जाने वाला मजदूर है या कमटे पे जाने वाला मजदूर है कोई भी, तो उसको 9,75,000 रुपये देने का काम हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। युवाओं के लिए भी हमारी सरकार जिस तरह से रोजगार देने का काम आज रिसर्जेंट राजस्थान के द्वारा हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो प्रारंभ किया है, तो आने वाले समय में अभी भी रोजगार के 6 लाख से ज्यादा हमने इस राजस्थान में रोजगार दे दिया है और आने वाले समय में जो हमारे 15 लाख का लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। रिसर्जेंट की कही जी, राजस्थान का रिसर्जेंट हो जाता, रिफाइनरी लग जाती जी, आपके इलाके का मसला है जी, लेकिन रिफाइनरी एक अच्छे दिन की आश में पड़ी हुई है कि कब अच्छे दिन आएंगे, कब रिफाइनरी आएगी, कब आपके लोगों को रोजगार आएगा। रिफाइनरी हमारे 2008 के अंदर हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने रिफाइनरी के लिए MOU बात हुई थी, MOU हुआ था, और उसके अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र का गांव लीलाड़ा जिसके अंदर जमीन एक्वायर करने की बात हुई थी 2008 के अंदर, ये बात है जिस समय हमारी मुख्यमंत्री हमारी सरकार थी। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई, दुर्भाग्य से कह रहा हूँ, वो आने के बाद में उन्होंने 5 साल तक ठंडे बस्ते में रख दिया। अगर उन्होंने उस समय 5 साल में काम कर लिया होता तो रिफाइनरी लग जाती। मैं कहूँ कि उसके बाद में 5 साल तक किया नहीं, आचार संहिता लग रही थी, उससे मात्र 2 दिन पहले सोनिया गांधी जी को बुलाते और सोनिया गांधी जी बुलाकर उसका उद्घाटन करवा देते और फिर वो कहते हैं, अब उनको पता था सरकार हमारी आएगी नहीं, हम ये करेंगे, ये उनके कांग्रेस के ऊपर ठीकरा, बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे।
हाँ बिल्कुल, हमारी सरकार बिल्कुल उसकी अब पूरा एमओयू जो हुआ वो जो पहले एमओयू हुआ है इन कांग्रेस के लोगों ने आनन फानन में जो किया है वो राजस्थान के लिए घाटे का सौदा था। अब जो हमारा एमओयू हो रहा है उसके अंदर निश्चित रूप से राजस्थान को उभारने का काम होगा और वो एमओयू बहुत अच्छा होगा और रिफाइनरी हमारे राजस्थान की जनता, विशेषकर आपके इलाके की जनता, उसको विश्वास नहीं रहा है किसी पे भी। वो तो केवल ये जानना चाहती है ये रिफाइनरी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अब डरने लगी है कि राजनेताओं के बयानों के उलझनों में उलझ गई है। रिफाइनरी आएगी, कब आएगी? और बिल्कुल उसका अभी अंतिम दौर में उसका एमओयू की और वो बात चल रही जल्दी है, जल्दी खुशखबरी मिलेगी राजस्थान की जनता को। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि आज आपके लिए भी तो बड़ा मुद्दा होगा रिफाइनरी, क्योंकि हमें पता है रिफाइनरी लगेगी, इसलिए मुद्दा क्या रिफाइनरी लग रही है, क्योंकि आपके दोस्त कर्नल सोनाराम तो रिफाइनरी को लेकर बड़े राष्ट्रीय नेता बने थे। ऐसा है, वो तो पहले से ही सांसद थे, राष्ट्रीय नेता नहीं, वो तो पहले से ही वो कई वर्षों से सांसद रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, वो अभी इस रिफाइनरी की वजह से नहीं है। अच्छा कैलाश जी एक बात बताओ, क्योंकि आप तो फायर ब्रांड नेता, आप तो बीजेपी से ही, और आपने कर्नल सोनाराम को कांग्रेस में रहते हुए उनको जबरदस्त तरीके से पटकनी दी और फिर कुछ ही समय बाद आपको उनका प्रचार करना पड़ा। जी ऐसा है कि पार्टी जो निर्णय ले जी, पार्टी हमारी माँ है और पार्टी ने जो निर्णय ले लिया उसके साथ हम जब स्वीकार कर लिया तो बिल्कुल हमारे हम ये भूल गए कि सामने आज से 3 महीने या 6 महीने पहले मैंने उनके सामने चुनाव लड़ा, वो मैं भूल गया। पर कैलाश जी ऐसा कहते हैं कि ये रिफाइनरी जो अटकी कांग्रेस के शासन में भी, उसके लिए कर्नल सोनाराम खुद जिम्मेदार थे, उन्होंने ही उलझाया उस विषय को, और आज कहते हैं कि आज भी बहुत बड़ी उलझन के पीछे कर्नल सोनाराम। नहीं नहीं, उनका कोई इसमें रोल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कर्नल साहब अच्छे आदमी हैं और वो कभी विवाद ऐसा उलझाने का काम नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये बात है तो सुलझाते भी नहीं है। नहीं, सुलझाने का काम भी वो करते। तो उन्होंने सुलझवा दिया क्या? अब वो प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं और हमारी मुख्यमंत्री जी भी उस एमओयू को जल्दी तय करके और हमारी बिल्कुल करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान भारत आज नहीं, भारत तो सदियों सदियों से, भारत की सारी संस्कृति ये हिंदुस्तान से, हमारे भारत से ही तो गई है, इसलिए इस भारत माता के आज ये भी देखो, आज जब जब भारत आज अपन देख रहे हैं वो भारत नहीं है, भारत अखंड भारत था, उस अखंड भारत के अंदर अखंड भारत अफगानिस्तान भारत के अंदर था, पाकिस्तान भारत के अंदर था, बांग्लादेश था, बर्मा, श्रीलंका सारे भारत के अंदर थे, और ऐसे लोग जो भारत माता को गाली देने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से भारत के टुकड़े हुए हैं, भारत के बार बार टुकड़े हुए हैं, अब भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। अब ऐसे जयचंदों को जिसमें देश में जीने का कोई अधिकार नहीं है हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। कोई भी, कोई भी, कभी राहुल गांधी जी आकर कह देते हैं, कभी ओवैसी आकर बोल देता है, कोई ऐसे किसी को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है, हम नहीं सहन कर सकते। कैलाश जी का कहना है कि अन्नदाता की लड़ाई तो फिर लड़ लेंगे, लेकिन भारत माता की लड़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि सीमा पर रहने का एक अपना अनुभव भी है, सीमा पर रहने का एक अपना दुख भी है, जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान क्या है, दुश्मन देश क्या है, इसलिए पीड़ा कुछ ज़्यादा है, भारत माता को लेकर कुछ ज़्यादा पीड़ा है, इसलिए जो आम जनता के मुद्दों से ज़्यादा उनको लगता है कि भारत को गाली देने वाले, भारत के खिलाफ बोलने वाले वो देश के दुश्मन है, उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ, नमस्कार। We'll be right back.